योजना से गांव में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिला है, जिससे अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थी पा सकते हैं। इतना ही नहीं, स्वामित्व से लोगों को स्वाभिमान भी मिला है। जानकारी देते हुए राज्य मंत्री कमलेश झांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव और शहर दोनों को विकास के मार्ग पर लेकर चल रहे हैं। उसी दिशा में कार्य करते हुए लाल डोरा मुक्त बनाने वाली स्वामित्व योजना शुरू की गई है। आने वाले समय में पूरे हरियाणा प्रदेश के गांव को लाल डोरा मुक्त कर दिया जाएगा। कैथल से हमारे संवाददाता बबल कुमार की रिपोर्ट। हमारे सारे हरियाणा में हरेक जिले में 11 गाँव को लाल डोरा मुक्त करने का काम किया है और ये बिल्कुल आज़ादी मिली है, उनको हक मिला है, उनकी प्रॉपर्टी से कोई छेड़छाड़ नहीं होती। वो अपनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वो अपनी मर्जी से इसको खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं और उस पर उनका हक है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ कि इतनी अच्छी योजना हमारे हरियाणा प्रदेश में लागू करने का काम किया चुकी है। ये किसान संतुष्ट है इस बात से। जो कांग्रेसी हैं, जिनको ये बात हजम नहीं हो रही, तो वो उकसाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे बड़े बड़े किसान कई बार उनके गाँव में आ जाते हैं, तो भी उन्होंने स्पष्ट पता चल गया है कि ये हमारे हक की है और बिल्कुल उनके हित की है। तो अपनी फसल को जैसे मंडियां थी पहले चलती थी, इसी तरह मंडियां चलेंगी, इसी तरह में उधर खरीद होगी। उनको आज़ादी मिली है, उनको मजबूती मिली है, अपनी फसल को अपने मनचाहे रेटों पर कहीं भी बेच सकते हैं। और मैं सभी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, हमारी सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हम सभी सरकार किसानों के साथ खड़े हैं और किसान के हित के लिए हैं। तो किसानों को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानी नहीं आने देंगे।